40वें सूत्र के अंदर इस वस्तु को निम्नघोष करते हुए आप कह रहे हैं, महसंगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। महसत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। और क्या कहते हैं, देखो कि महापुरुष का संग मिले, कोई गुरुजनों का सानिध्य मिले, तब उसके अंदर परिवर्तन आते हैं, लेकिन वो संग भी ऐसा है वो जल्दी मिलता नहीं है। महसंगस्तु दुर्लभ, कहते हैं महापुरुषों का संग मिलना वो भी दुर्लभ है। और कहते हैं ना कि ऐसी देवी संपत्ति से युक्त कोई महापुरुष का मिलना एक तो दुर्लभ, मिले तो पहचानना दुर्लभ, और पहचाने तो उनका लाभ लेना और दुर्लभ। कईयों को तो महापुरुष का सानिध्य मिले और सानिध्य मिलके उनका लाभ क्या लेना यही पता नहीं होता। वहां जाके पूछना क्या चाहिए, अपन जाके अपने ही घर की वहां बातें करके आते हैं, ये हो रहा है तो अब मैं क्या करूं। अरे ये वस्तु की सलाह देने वाले दुनिया में बहुत एक्सपर्ट है। और कहते हैं ना ये वो स्थान है जहां जाके हम वो पा सकते हैं कि जो जगत में कोई बता नहीं सकता। इसलिए कह दिया महसंगस्तु दुर्लभ, मिलना दुर्लभ, मिले तो पहचानना दुर्लभ, पहचाने तो उनका लाभ क्या लेना, कैसे लेना, ये और दुर्लभ। और ये जब प्राप्त हो जाए तो कहते हैं कि महसंग कैसा है, तो कहते हैं ना दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। कहते हैं दुर्लभ है, दुर्लभ के संग संग अगम्य है और अमोघ है। अमोघ यानी वो ऐसा है कि जैसे अक्षीर इलाज, जिसका संग मिलने के बाद वो वार खाली नहीं जाता, ऐसा अमोघ वार है कि महत्पुरुषों का संग जीव को मिल जावे। हा? और कहते हैं ना ऐसे भगवदियों का मिलना और मिलके उनको पहचानना कि उनके अंदर जो बाहर दिख रहा है वही अंदर भी है या अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है। देखो जगत के अंदर सिर्फ दिखावे पे कभी मत जाना, वो क्या क्या खेल कर रहे हैं, क्या क्या अपने आप को बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्या क्या अपने आप को दिखाने का प्रयत्न कर, सिर्फ ये पास बैठो तो इतना खाली पहचानना कि जिस कृष्ण को मैं ढूंढने के लिए इनके पास आया हूं, उनकी अनुभूति करके ये अनुभव करना कि जो पाने के लिए मैं इनके पास आया हूं वो इनको स्वयं को मिले हैं कि नहीं, इनकी आंखों में वो झलकते हैं कि नहीं, इनकी अनुभूति में वो अनुभूत होते हैं कि नहीं। जो वस्तु पाने के लिए जिनके पास गए सबसे पहले सिर्फ ये देखना कि उन्होंने पाया है कि नहीं। और थोड़ी देर बैठोगे आप, थोड़ी देर आप सानिध्य में रहोगे, पता चल जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना ये दुनिया इतनी अब हो गई, ऐसी हो गई है कि शुगर और सैक्रीन में ज़्यादा फर्क करने में देर लगती नहीं, और रंग बाहर आने में भी देर नहीं लगती। इसलिए कहते हैं कि जिसके संग आप जाओ, सानिध्य में जाओ, ये अनुभूत करो, और जब आपको लगे कि हाँ मुझे वो झलक मिल रही है, मैं कुछ पा रहा हूं, अपने अंदर कुछ अनुभूत कर रहा हूं, और ऐसा कोई संग जगत में मिल जावे तो मानना कि ये अमोघ शस्त्र मुझे मिल गया है कि मेरे संसार के बंधनों को छेद के मुझे प्रभु से कोई जोड़ने वाला है। और ऐसे जीवों का मिलना भी दुष्कर है, इसलिए तो अपने भगवती भी कहते हैं कि मिले कब वे मन के अनुरागी। ऐसे मन के अनुरागी जीव कौन है जो स्वयं प्रभु के अनुराग से रंगे हुए हैं, और जो रंगे हुए हैं वही तो हमें रंग सकते हैं। इसलिए तो कहा मिले कब वे मन के अनुरागी, मिले कब वे मन के अनुरागी। श्री वल्लभ वचनामृत पीबत जो चकोर लवले जाके पीछे डोलत गिरिधर, जाके पीछे डोलत गिरिधर, प्रेम पुंज रस फागी मिले कब वे मन के
त्यागी हैं, जो श्याम रंग से रंगे हैं, और वो ऐसे हैं कि जो जीवों को रंगना भी जानते हैं, और ऐसे रंगते हैं कि रंगने का प्रयत्न भी न हो, सिर्फ दृष्टि पड़े और रंग दें, सिर्फ देखें और रंग दें, सिर्फ पास जाओ और उनके रंग में रंग जाओ, ऐसे अनुरागी जीव हैं। अनुरागी और ऐसे महापुरुष कैसे हैं, तो कहते हैं ना अमोघ। उनका शस्त्र कैसा है, बोले अमोघ। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है हम कहां अटके हैं, पर वो जानते हैं कि हम कहां अटके हैं, और हम अटके कहीं हैं लेकिन उपाय कुछ और ढूंढने जा रहे हैं। हमारी समस्या कुछ और है लेकिन समस्या क्या है हम नहीं जानते, और उपाय कुछ और पूछ रहे हैं लेकिन वो जानते हैं किसकी समस्या क्या है और कहाँ अटके हैं। और इसलिए वो कई बार ऐसी कड़वी चीज भी अपन को कहते, अपन को लगे मैं तो अच्छे भाव से आया, मुझे कड़वा क्यों कहा, तब मानो कि वो हमें अच्छा लगे इसमें उनको रस नहीं, हमारा अच्छा हो उसमें उनको रस है। इसलिए ये वस्तु कही कि महापुरुषों का संग मिले, आश्रय मिले, वो अमोघ है, वो दुर्लभ है। ये वस्तु आगे कही।